स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th इसके एपिसोड्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा पहला एपिसोड है, तो आज का ये जो एपिसोड होगा ये हम ज़्यादा लंबा या ज़्यादा लेंथी नहीं रखने वाले। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल होगी उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे जल्दी जल्दी वीडियोज लाने के लिए, और तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आएंगे। तो ये पहला एपिसोड है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके और अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप हमारे ग्रुप का यूजर नेम है, आप इसको सर्च मारिए टेलीग्राम ग्रुप पे और आपको वहां पे दिख जाएंगे ग्रुप। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, www.eklavyastudypoint.com, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहिए। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस का, और उसी के साथ साथ इंग्लिश का भी। पॉलिटिकल साइंस वाले में आपको सारी डिटेल पता चल गई होगी पहले से ही, कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नए सिरे से जो भी अब आने वाले हैं, जो नए तरीके से, वो आपको मिलेंगे। और इंग्लिश के अंदर आपको समरी मिलेगी, वीडियोज होंगी, वो सभी ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएंगी। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, और MCQs मिलेंगे। हमने इंग्लिश की भी एपिसोड की सीरीज चालू कर रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि इंग्लिश की भी आपको डेली वीडियोस मिलने वाले हैं एपिसोड्स के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है या पहला जो प्रश्न है हमारा, वो ये है कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन, थियामिन, फॉलिक एसिड या फिर राइबोफ्लेविन। तो अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम। वरिष्ठ नागरिकों में फिटनेस का परीक्षण या उनकी पुष्टि के परीक्षण को मतलब करने के लिए कौन सा परीक्षण विकसित किया गया, कौन सा वो टेस्ट है? ठीक है, मतलब कौन सा वो परीक्षण है जो किया गया? तो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण या रिकली तथा जोन्स परीक्षण, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण, या फिर आफर टेस्ट, या रोकपोर्ट एक मील परीक्षण। तो इसके अंदर ऑप्शन बी सही होगा, रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण, ये इस नाम से था जो कि रिकली तथा जोन्स ने विकसित किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस तरीके से सही हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न हैं आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, तो आप प्लीज अच्छे से सभी प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, सांत्वना टूर्नामेंट या फिर जिसको हम कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, ये किस प्रकार के फिक्स्चर का हिस्सा होते हैं, यानी कि ये किसके अंदर आते हैं? नॉकआउट के अंदर, लीग टूर्नामेंट के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारे आते हैं नॉकआउट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक माइक्रो सॉरी मैक्रो खनिज है, यानी कि वृहत खनिज नहीं है। आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से वृहत खनिज इसमें से कौन सा है नहीं है। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या आयोडीन। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो कैल्शियम एक वृहत यानी कि एक मैक्रो खनिज है, पोटेशियम भी मैक्रो खनिज में आएगा, फास्फोरस भी पोटेशियम और ये कैल्शियम वगैरह सभी ये मैक्रो खनिज में आएंगे, पर आयोडीन मैक्रो खनिज नहीं है, तो ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। विटामिन ए की खोज किसने करी? विटामिन ए डॉक्टर मैकोलम, डॉक्टर कोबर्टिन, डॉक्टर जेबी नैश या डॉक्टर हार्वर्ड। तो विटामिन ए की जो खोज थी वो डॉक्टर मैकोलम ने करी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ नए तरीके के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कथन तथा कारण। ठीक है, तो कथन क्या है पहले तो हम ये पढ़ेंगे। यूनिसेफ का कहना है कि मैक्रो पोषक तत्वों में यानी कि वृहत पोषक तत्वों में पानी शामिल नहीं है, लेकिन USDA इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भाग मानता है, यानी कि वृहत पोषक तत्वों का भाग मानता है पानी को, कौन? USDA। लेकिन यूनिसेफ जो है वो इसको नहीं मानता, तो ये तो कथन दिया हुआ है। कारण में अब लिखा हुआ है जल अधिक मात्रा में लेना चाहिए, इसलिए इससे वृहद पोषक तत्व माना जा सकता है। तो एकदम सही बात है, यहाँ पे कारण भी सही लिखा हुआ है, कथन भी सही है, दोनों चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही हैं और रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं
कि यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और मतलब जो है आपका ये सही है पूरा, दोनों चीजें इसके अंदर सही लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हल आसन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विकृति को ठीक करने के लिए किया जाता है? ठीक है, हल आसन का प्रयोग, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस या चपटे पैर। तो हलासन का जो मेनली जो मुख्य रूप से जो होता है वो लॉर्डोसिस में काफी ज्यादा लाभदायक होता है, और इस विकृति को, ये आसन संबंधी जो विकृति है इसमें बहुत मदद करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से कौन रीढ़ की हड्डी वक्रता विकृति नहीं है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन से कुछ जुड़ी हुई जो है मतलब वृद्धि, इसमें से कौन सी वो विकृति नहीं है आपको बताना है। काइफोसिस है, स्कोलियोसिस भी है, लॉर्डोसिस भी है, चपटे पैर का रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ से सीधा हम पहचान सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहचानिए कि इनमें से कौन योजना का उद्देश्य नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से योजना का उद्देश्य नहीं है। हमने योजना के उद्देश्य अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है रचनात्मकता को बढ़ाता है, यस सही लिखा हुआ है। दक्षता बढ़ाता है, ये भी सही है। गलती की संभावना कम करता है, ठीक है, गलती की संभावना कम करता है, ये भी सही है। और खराब समन्वय की सुविधा देता है, यानी कि खराब तालमेल को मतलब बढ़ाता है एक तरीके से। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ये तो योजना का उद्देश्य नहीं होता, जबकि योजना तो हमारा तालमेल अच्छा करती है, समन्वय को अच्छा करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये योजना का उद्देश्य नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी आज की। ठीक है, होमवर्क के तौर पर है ये कि लीग टूर्नामेंट में 8 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएगी। ठीक है, आप इसका आंसर निकालिए, हमें बताइए और हम फिर आपको देखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो थी ज्यादा लंबी हम नहीं रखना चाहते थे, जस्ट आपका रिस्पॉन्स देखना है हमें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो भविष्य में आपको हर तरीके के प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं और आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। आज पहला ही एपिसोड था, लेवल भी बढ़ेगा। आप ऐसा ना समझिएगा कि आपको आसान प्रश्न मिलेंगे सिर्फ, आपको मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान सब मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बस आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करेगा। वीडियोस आप हमारी सारी देख लीजिए, हमने एमसीक्यू की ऑलरेडी अलग से भी बना रखी है, वहां से भी प्री बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा हमने चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी बना रखी हैं, सब कुछ आपको हमारे चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। यही था आज की इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।